بسم الله الرحمن الرحيم कहां से छेड़ू फसाना, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है। लेकिन आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया और वो प्यार मोहब्बत वो खुलूस जो मैं आपके चेहरों से देख रहा हूं, जो आपकी आंखों से देख रहा हूं, मुझे उस पे नाज है, नाज। ये मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की, जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल व करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजल व करम से। और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में अरूज पर थी, आपके घरों में बिजली नहीं आती थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग को? एक अजाब था, अजाब, और हमने उसको खत्म किया।
बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। आप जानते हैं ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन जो लोग जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालदा, मेरी बीवी कुलसुम घर पर दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसुम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से, पूछो। मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडियाला जेल। वो सुपरिटेंडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं तो किस हाल में है? मेरी बात नहीं। मैंने कहा देखो, तुम्हारे मेज के ऊपर दो दो फोन पड़े हैं, ये दो मोबाइल पड़े हैं, ये दो लैंडलाइन पड़ी है,
यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत देने की जरूरत है, तुम्हें किससे इजाजत दरकार है? उसने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया, दोबारा वहां सेल में, इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी। अपनी कैद खाने में चला गया, दोबारा वहां सेल में, इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी, चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी, और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। वहां चला गया, सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। ढाई घंटों के बाद उसका नंबर टू बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसुम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, ढाई घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास, उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा, बैठी है पूछ लें, ये खड़ी है यहां पे, इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ एक घंटे के लिए होती थी, एक हफ्ते में, और पास पास होके एक एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ, मैं जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। भाई भाई बेटा बैठ, बस बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तब क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है, भाई अपना मुल्क है, मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने आईडी पे धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलहूज़े खातर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं करता। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो।
आपने कहा क्लिंटन $5 अरब की पेशकश की, मुझे ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है, आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। $5 अरब, आज तो $1-1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना, $1-1 अरब की भीख मांगते थे उस वक्त $5 अरब। और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं, शायद कोई अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते, मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले जाए, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं, उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना, हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने, एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता? वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? तो क्या इसी बात की फिर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं? मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो, कोई क्वेटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है, और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल पड़े हैं, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है, ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा सारे वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार, क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम को बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया, मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाल्लाह इसको हम। भाइयों, जरा एक और बात बताओ, अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है, मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ,
मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ, बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को, मुझे बताओ कि आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए, आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि वो उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया, रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ, हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्र क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था, आप यकीन मानो 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ लें, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता मुल्क में, एक भी बेरोजगार ना होता पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती, गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो देखना सोचना पड़ता है, आज तो सोचना पड़ता है